हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम आयुष है और आज अपन बात करने वाले हैं एक ऐसी क्रूज़र बाइक के बारे में जिसके बारे में मैंने आज तक चैनल पे बात नहीं करी। अब वो रीज़न क्या है वो सब मैं आपको बता देता हूँ। मैंने कुछ दो तीन वीडियोस डाली थी कि टॉप थ्री बाइक्स अंडर 1 लाख। एक वीडियो थी मेरी जिसमें मैंने 150 cc से लेके 200 cc तक की जो है सारी जो बेस्ट थ्री बाइक्स है उसके बारे में मैंने बताया था। कुछ एक वीडियो अभी बीच में बनाई थी मैंने कि जिसमें 80,000 से लेके 1,25,000 तक की बाइक में से कौन सी बेस्ट बाइक है वो जो आप सिलेक्ट कर सकते हैं वो बताई थी। अब हुआ क्या, उसमें लोग गुस्सा हो गए, कुछ लोग मुझे बोलने लग गए, पर्सनल मैसेज करने लग गए, कमेंट्स करने लग गए कि यार क्रूज़र बाइक का कोई नामो निशानी नहीं है, सब जगह स्पोर्ट्स बाइक है, ABS वाली बाइक्स है, फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम वाली बाइक है, ये जो क्रूज़र बाइक है ये एक भी कहीं भी किसी भी वीडियो में आपने क्यों नहीं रखी। उनको लॉन्ग डिस्टेंस पर ट्रैवल करना रहता है, उनकी आदत हो गई है रोज़ 50-100 किलोमीटर चलने की, उनको क्रूज़र बाइक की ज़रूरत है, या वो वीकेंड पे या मंथ के एंड में या जब भी उनको टाइम मिलता है तो वो क्रूजिंग के लिए बहुत लंबी जर्नी जो है बाइक से ट्रैवल करते हैं, 300 किलोमीटर 500 किलोमीटर, तो उन लोगों को क्रूज़र बाइक ही लेनी ज़रूरी रहती है क्योंकि लिए क्रूज़र बाइक में थोड़ा सा कम्फर्ट लेवल ज़्यादा रहता है इन कम्पेयर टू स्पोर्ट्स बाइक और जो अपन नॉर्मल बाइक अपन यूज़ करते हैं। तो इस वजह से मैंने एवेंजर 180 को सिलेक्ट करा। हुआ क्या कि अभी इस सेगमेंट में एवेंजर है और एक इंट्रूडर है। इंट्रूडर के बारे में भी इस वीडियो में लास्ट में बात करता हूँ, पर एवेंजर बात करता हूँ। 220 मैंने क्यों नहीं सिलेक्ट करी वो भी मैं आपको लास्ट में बता देता हूँ। अब सबसे पहले मैं अपन जान लेते हैं इसके प्रोज क्या है और इसके कॉन्स क्या है, कि ये बाइक क्यों लेनी चाहिए, क्यों मैंने सिलेक्ट करी है और क्यों नहीं लेनी चाहिए, मैं क्यों नहीं इसको रिकमेंड कर रहा हूँ, क्यों मैंने उस वीडियोस में इस बाइक को पुट अप नहीं करा, वो रीज़न आपको कॉन्स में पता चल जाएगा। तो सबसे पहले 5 ऐसे प्रोज है इसके जो मैंने थोड़े टाइम अभी बीच में इसको चला के देखा था, यूज़ करके देखा था, तो 5 चीज़ें मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी और 3 चीज़ें जो कि कॉन्स में मैंने डाली वो मुझे इसके बारे में बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी, और वही रीज़न था कि मैंने इस बाइक को उन तीनों चारों वीडियो में मेरी जो है इसके अंदर जो है नहीं डाला था। तो अब सबसे पहले बात करते हैं प्रोज की। प्रोज में जो सबसे पहला प्रोज है इसका वो है इसकी स्टाइल, इसका लुक वो काफ़ी अच्छा लगता है। जैसे कि अभी मार्केट में जब ये लॉन्च हुई थी थोड़े टाइम पहले, अभी की नहीं कह रहा हूँ 2018 वाली अपडेट, जो 2016 के एंडिंग में जो लॉन्च होकर अपडेट आए थे, नए सब बोल रहे थे हार्ले डेविडसन की कॉपी आ गई, वो सीरियसली लग रही है बाइक काफ़ी अच्छी दिखने में, काफ़ी अट्रैक्शन जो है वो ग्रैब कर दी। आप कहीं पर भी इसको लेके निकलोगे लोग आपको देखेंगे, मतलब 1 लाख की बाइक को आप लेके इसको निकलो और 1 लाख की आप दूसरी बाइक को लेके निकलो, इसका जो अटेंशन ग्रैबिंग पावर है वो इस दूसरी बाइक से जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो रियलिटी में इसका लुक जो है वो टॉप नॉच, मतलब क्वालिटी का एक अलग ही जो है अटेंशन ग्रैब करता है, तो मुझे इसका लुक काफ़ी अच्छा लगा और रियलिटी में इसका लुक काफ़ी अच्छा है। आपको कैसा लगता है वो मुझे नीचे ज़रूर में बताना। मतलब 99% लोगों को जो है एवेंजर का लुक पसंद आता है और इसीलिए जो एवेंजर है कंटिन्यू बिक रही है। सेकेंड जो इसका प्रोज है वो ये है कि इसका इंजन 180 cc की गाड़ी है, 15 bhp की पावर है, 13.7 Nm का आपको इसके अंदर टॉक मिल जाता है और काफ़ी अच्छा स्मूथ रिफाइन इंजन है। 100 km/h की स्पीड पे भी मैंने इसको क्रूजिंग करी और मेरे को ज़्यादा कोई वाइब्रेशन वगैरह फील नहीं हुआ। हैंडल बार में और जो फुट पैग है उसमें थोड़ा सा जो है वाइब्रेशन फील होता है आप जब इसको बहुत ज़्यादा रैव करते हैं या लोअर गियर पे चलाते हैं, पर 100 km की स्पीड पे आप इसको कंटिन्यूसली क्रूज़ करके जा सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो ये चीज़ मेरे को इसको अच्छी लगी। थर्ड जो प्रोज है इसका, जो चीज़ मेरे को पसंद आई वो है इसकी फ्यूल टैंक। 13 लीटर का आपको फ्यूल टैंक मिल जाता है जिसमें 3.7 लीटर का जो रिजर्वर की कैपेसिटी रखी गई है। इसके अंदर जो है माइलेज अच्छा मिल जाता है, मतलब फ्यूल टैंक भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, आप अच्छी लॉन्ग डिस्टेंस से फ्यूल टैंक के साथ में जो है ट्रेवल कर सकते हैं, आपको कोई ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ती है कि आपको एक्स्ट्रा फ्यूल कैरी करना पड़ेगा या इसे कोई प्रॉब्लम आती है। तो ऑफकोर्स डिसेंट अमाउंट का एक फ्यूल टैंक है, ना ज़्यादा बड़ा है ना कोई कमी भी नहीं पड़ती है मतलब उस चीज़ का। तो मेरे को जो सिटी में माइलेज इससे मिला 36.8 km/l का, और हाईवे पे इसी गाड़ी से मेरे को कंटिन्यूसली रनिंग पे, मतलब ये नहीं करा कि मैंने बीच में सर्विसिंग करवा ली है या थोड़े दिन नहीं चलाई उसको या कुछ भी चेंजेस करवाए या कुछ फ्यूल फिल्टर या ऑयल वगैरह चेंज करवाए, सेम उसी कंडीशन में 46.2 km/l का माइलेज ऑन हाईवे पे मिला एक स्पीड पे क्रूजिंग करने पे। तो गाइस 46 का माइलेज अगर आपको क्रूजिंग करने में मिल रहा है, हाईवे पे मिल रहा है, तो वो मेरे हिसाब से तो बहुत बेस्ट है। आपके हिसाब से वो बेस्ट है या नहीं, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है वो मुझे नहीं पता, पर क्रूज़र बाइक में, इस सेगमेंट की बाइक में अगर 46 का माइलेज मिल रहा है तो बेस्ट इन क्लास है। ये थर्ड चीज़ थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, मुझे जो बहुत मतलब इसको अट्रैक्ट करती इस बाइक को लेके। जो चौथी चीज़ है वो है इसकी प्राइस, 85,497 rupees की एक शोरूम प्राइस है इसकी, जो कि किसी भी बाइक की क्रूज़र बाइक की प्राइस इतनी कम नहीं है। मतलब 220 है तो वो भी 1,20,000 के आसपास ऑन रोड में पड़ती है, जो इंट्रूडर है वो भी 1,20,000 के आसपास ऑन रोड पड़ती है, ये आपको 1 लाख के अंदर ऑन रोड मिल जाएगी। तो गाइज़ ये चीज़ मेरे को अच्छी लगती है, पहली एक ऐसी क्रूज़र बाइक है जो 1 लाख से अंदर के बजट में या 1 लाख के बजट में आपको इंडियन मार्केट में अवेलेबल होती है।
और लास्ट जो चीज़ मेरे को इसकी सबसे अच्छी लगी वो है इसकी सीट हाइट, जो कि हर क्रूजर बाइक की जो है खासियत रही थी। 725 mm की हाइट है इसकी सीट की, जो कि काफ़ी लो है और काफ़ी मज़ा आता है। मतलब बैठने में आप ऐसे बैठे हो आराम से रिलैक्स होकर इसको राइड करते हो, सिटी में भी इसको चलाने में मज़ा आता है, हाई स्पीड पर भी कंट्रोलिंग जो होती है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है और काफ़ी एक अलग ही जो एक फील आती है इस बाइक को चलाते रहो वो वाली फील आती है। मतलब कभी भी आप इसको बोर नहीं होते हो चलाते हुए, तो वो चीज़ अच्छी लगती है। प्लस फिर मैंने जब हम लोग हाईवे पे जा रहे थे तो मेरा एक फ्रेंड भी मेरे साथ में था, तो हम लोग ने जो है टर्न बाय टर्न ड्राइव करी, तो मैं पीछे बैठा एज एन पिलियन, मेरे को इसका कंफर्ट लेवल चेक करना था, तो वो भी काफ़ी अच्छा है। मतलब पिलियन के लिए जो है बैक रेस्ट भी दिया हुआ है उसके अंदर, तो उसका आप यूज़ करके पीछे होके ऐसे आराम से बैठ सकते हो, एक रिलैक्स पोजिशन में इसके अंदर आप सीट कर सकते हो। जो फुट पैक है पिलियन के लिए वो भी काफ़ी अच्छे और सही जो हाइट पर होनी चाहिए उसी हाइट पर दे रखे हैं, कि आपके पैर ना ज़्यादा ऊपर रहते हैं या ज़्यादा नीचे रहते हैं, एक प्रॉपर वे में जो सीटिंग होती है। तो इसकी जो सीट है और जो इसकी सीटिंग है और जो इसकी राइडिंग है ये बहुत अच्छी है। तो ये पांच चीज़ें मेरे को इस बाइक के बारे में अच्छी लगी। अब बात करते हैं क्या चीज़ मेरे को अच्छी नहीं लगी, मतलब वो तीन चीज़ें हैं जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। इसके फीचर्स, सबसे पहली पॉइंट जो है इसके फीचर्स, जो कि कुछ है ही नहीं इसके अंदर। क्या फीचर्स है, जो ओल्ड स्कूल बाइक है उसको आपने नया लुक दे के जो है लॉन्च कर दिया है। ना इसके अंदर डिजिटल स्पीडोमीटर है, ना इसके अंदर फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है, ना इसके अंदर ABS अवेलेबल है। ये तीन चीज़ की रिक्वायरमेंट 1 लाख की बाइक में होती ही है, और 1 लाख की बाइक में आपको ये तीनों चीज़ें मिल रही है। इसीलिए जो है मैंने आपको बोला था कि मैं इंट्रूडर के बारे में लास्ट में बात करूंगा, उसकी प्राइसिंग थोड़ी सी ज़्यादा है, पर अगर क्रूज़र बाइक की बात करें 1 लाख के आसपास के बजट में, तो उसमें सारी चीज़ें अवेलेबल है। आपको ABS मिल जाता है उसके अंदर, आपको जो है फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है, आपको उसके अंदर फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम मिल जाता है FI वेरियंट के साथ में जो आती है वो। तो गाइज इसके अंदर वो सारी चीज़ें नहीं है। अगर आपको सिर्फ लुक मैटर करता है तो रियली आप इसको जो है ले सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। आप जो है इसको अपनी एक बाइक 1 लाख के अंदर की बाइक में जो इसको रियल में आप चूज़ कर सकते हैं, पर अगर आप चाहते हैं कि मेरी बाइक में सारे फीचर्स भी हो प्लस लुक भी है, तो गाइज ये बाइक आपके काम की नहीं है ना। मैं उस नज़र से अगर इस बाइक को देखूँ तो ये मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं है। तो सिर्फ पसंद लुक वाइज है, प्लस इसकी जो राइडिंग है उसके हिसाब से ये गाड़ी मेरे को अच्छी लगती है, पर अगर फीचर वाइज देखी जाए तो ये गाड़ी लेने लायक नहीं है। एक और चीज़ की इसके अंदर जो कमी है वो है इसमें रियर के डिस्क ब्रेक भी नहीं है। मतलब आप इस गाड़ी को 110 की स्पीड पे भी चला सकते हो, ये जाती है आराम से, मतलब उससे भी ऊपर चल जाती है, पर जो मैंने टेस्ट करी कि 110 पे भी चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं आ रही थी इसको। तो अगर आप ये मान लीजिए कि 100 की स्पीड पर आप क्रूजिंग कर रहे हैं, अब इतनी हाई स्पीड पर अगर आप क्रूजिंग कर रहे हैं बाइक से, आपको रियर डिस्क ब्रेक की जो है रिक्वायरमेंट रहती है, आपको उसको ताकि अच्छे से कंट्रोल कर पाओ ABS की ज़रूरत आपको रहती है, ताकि आप इसको मतलब जो है ब्रेकिंग अगर एकदम से हार्ड आपको करनी पड़े तो आप स्लिप नहीं हो, स्किड नहीं हो, आपको इंजर्ड नहीं हो, और जो है आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़े। या आप जो विंटर वगैरह में चला रहे हो, बारिश वगैरह में, या मतलब जहाँ बर्फ़ वगैरह रहती है, तो आप स्किड नहीं हो, स्लिप ना हो, तो इसलिए ABS की रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़रूरी है। तो वो ऐसे कुछ भी फीचर्स इस बाइक के अंदर है ही नहीं। अगर आप क्रूज़र बाइक ले रहे हो तो आप ऑफकोर्स कोई 30-40 की स्पीड पर तो चलोगे नहीं, आप क्रूजिंग करोगे 80-100 की स्पीड पे, और उस केस में अगर एकदम से आगे आपके पास सामने कोई भी आ जाता है, आपको इमरजेंसी में ब्रेक लगाने पड़ते हैं, तो इसके अंदर उतने अच्छे ब्रेक्स नहीं हैं कि जो आप एकदम इमरजेंसी कंडीशन में इस बाइक को जो है हैंडल कर पाओ। अब जो सेकेंड चीज़ मुझे पसंद नहीं है इसके अंदर वो है इसकी पावर डिलीवरी सिस्टम। मतलब 15 BHP की पावर आपको मिलती है 8,500 RPM पे, और जो टॉर्क मिलता है 13.7 Nm का वो मिलता है 6,500 RPM पे। तो गाइस अगर आप क्रूज़र बाइक पे क्रूजिंग कर रहे हो और इतनी हाई रेव्स पे आपको अगर वो पावर आउटपुट मिल रहा है, तो ये मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आया। तो अगर आप क्रूज़र बाइक ले रहे हैं तो आपको जो इतनी पावर है 15 BHP की पावर, जो अगर आप मतलब चाहते हैं अपनी बाइक से या डिमांड करते हैं, तो आपको मेरे हिसाब से 5,000 से 5,500 RPM के आसपास आपको मिल जाने चाहिए। उससे ऊपर आपकी बाइक अगर रेव कर रही है तो वो फ्यूल भी एक्स्ट्रा बर्न कर रही है, थोड़ा सा वाइब्रेशन भी जो है उसके अंदर लेवल जो है इंक्रीज़ हो जाता है, और नहीं आता है इतनी फील, इतना मज़ा नहीं आएगा आपको कि इतनी हाई रेव्स पे जो है गाड़ी को आप कंटिन्यूसली क्रूजिंग करें। तो वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी। अगर बजाज इसके अंदर थोड़ा सा वर्क कर ले, इंजन अच्छा है DDIES, और इसका गेयरबॉक्स बजाज के कभी भी अच्छे नहीं रहे हैं, तो गेयर में आपको है ना एक वो वाली फील नहीं आएगी, एक आपको स्मूथनेस वाली जो फील है वो चीज़ नहीं आएगी। तो पावर और गेयरबॉक्स उस चीज़ की मेरे को हल्की सी कमी महसूस होती है, थोड़ा सा और रिफाइनमेंट लेवल होना चाहिए था। और जो थर्ड चीज़ है और लास्ट चीज़ है वो है इसका किक स्टार्ट सिस्टम, जो कि है ही नहीं बाइक में। सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टार्ट जो सिस्टम है वही दिया गया है। अब अगर आप कहीं जा रहे हो, किसी ऐसी कंडीशन में आप हो गए हो कि जहाँ आपका सेल्फ काम नहीं कर रहा है, इग्निशन जो है वर्क नहीं कर रहा है,
तो आप इसको चालू कैसे करोगे? बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स रहती है कि इंजन को आप डायरेक्ट रिस्टार्ट कर सकते हो, पर हर राइडर को वो सारी ट्रिक्स नहीं पता रहती है। जो नॉर्मल एक राइडर रहता है उनको नहीं पता है कि की या सेल्फ के अलावा बाइक को कैसे स्टार्ट कर किया जाता है। तो उस केस में जो है नॉर्मल राइडर जो है वो फंस जाएगा या उसको प्रॉब्लम आ जाएगी बहुत बड़ी। तो मेरे हिसाब से इसके अंदर जो है किक देना ज़रूरी थी, बजाज को किक इसके अंदर रखते तो अच्छा रहता है। UZ5 वाली जो वीडियो है मेरी वो बहुत ज़्यादा चली, और उसमें भी सबसे ज़्यादा कमेंट मेरे पास में यही है कि यार इसके अंदर बजाज ने किक निकाल के सबसे बड़ी गलती करी। तो गाइज़ हाँ, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करती है। जो सेल्फ स्टार्ट सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो गए हैं, बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गए हैं कि आपको कहीं दिक्कत नहीं देंगे, पर इन केस कभी भी कोई प्रॉब्लम बोल के तो नहीं आती, और अगर प्रॉब्लम आ गई तो फंस सकता है इंसान। तो इस वजह से जो है इस चीज़ की मेरे को कमी लगी। तो ये तीन चीज़ें ऐसी थी जो मेरे को पसंद नहीं आई, वो पाँच चीज़ें मैंने आपको बता दी कि क्या क्या मेरे को पसंद आया है। तो ये थी इस गाड़ी के प्रोज एंड कॉन्स, सारी चीज़ें मैंने आपके साथ में शेयर कर ली। इसका लुक, इसकी स्पेसिफिकेशन, इसका माइलेज, इसकी राइडिंग, इसके प्रोज, इसके कॉन्स। अब अगर इस बाइक के बारे में कुछ भी रह गया हो और इस प्राइस के अंदर क्रूजिंग बाइक के लिए रिलेटेड अगर आपको कुछ भी डाउट रह गया है तो नीचे आओ, सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ के मुझे ज्वाइन करो और वहाँ के पूछो। और अगर वहाँ नहीं आना है, बहुत दूर पड़ रहा है, तो कोई बात नहीं, नीचे उसके और थोड़ा सा नीचे आओ, कमेंट बॉक्स मिलेगा, वहाँ आके आप पूछ लो, सारे डाउट्स क्लियर कर लो। कमेंट्स में ये मत बोला करो कि इस बाइक को चूज़ नहीं करा, वो चूज़ नहीं करा। रीज़न रहते हैं कुछ सारी बाइक सिलेक्ट करने के। आज मैं टॉप 3 बाइक सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो मैं भी उन 30 बाइक्स को देख के उनमें से टॉप 3 निकाल रहा हूँ। तो उन बात को थोड़ा सा जो है समझा करो, और डायरेक्टली कमेंट करके ऐसे मत बोला करो। कुछ लोग तो बैड वर्ड्स भी यूज़ करते हैं, तो मैं तो इग्नोर कर देता हूँ, कोई इशू नहीं है, पर प्लीज़ थोड़ा सा जो है आप डिस्कस कर सकते हो। मैंने सारे इसलिए सोशल मीडियाज़ की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी कि वहाँ के आप ज्वाइन कर लो। मैं हर किसी को रिप्लाई करता हूँ, मेरा रात में जो 11 से 12 का टाइम है वो यही है कि सारे कमेंट्स के रिप्लाई करता हूँ, या सारे जितने भी मैसेज मेरे पास में इंस्टाग्राम पर ढेरों मैसेज आते हैं, फेसबुक पर रिक्वेस्ट आती है, मैसेज आते हैं, मैं उन सभी की रिप्लाई करता हूँ। तो वहाँ आके आप मुझसे जो है डिस्कस कर लिया करो। तो गाइस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, कि जिनको 1 लाख से कम की बाइक की रिक्वायरमेंट है या वो लेने का सोच रहे हैं या प्लान बना रहे हैं, या उनको एवेंजर पसंद है, तो उसके बारे में जो एवेंजर के बारे में सारी डिटेल जो है उनको मिल जाएगी। और गाइस मेरी वेबसाइट है व्यवस्थित.com, जिसके ऊपर जो है ऑटोमोबाइल्स रिलेटेड, टेक रिलेटेड सारी न्यूज़, सारी इन्फॉर्मेशन आपको अपनी ऑन लैंग्वेज में जो है मिल जाएगी। तो गाइज व्यवस्थित.com पे जाके जो है अलाउ कर देना नोटिफिकेशन, ताकि व्यवस्थित.com के सारे नोटिफिकेशन आपको रोज़ के रोज़ मिल जाए। और मेरे चैनल पे भी सब्सक्राइब करने के बाद में जो है नोटिफिकेशन का जो बटन है उसको आप ऑन कर देना, ताकि रोज़ जब भी मैं वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और ऑटोमोबाइल्स रिलेटेड ऐसी न्यूज़, स्पेसिफिकेशंस, कंपैरिजंस वाली जितने भी वीडियो मैं डालता हूँ रोज़, वो आपके पास में जो है आ जाए, कोई भी वीडियो आप मिस नहीं करें। तो गाइज आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, कल तक की वीडियो के लिए फ्रेंड्स बाय बाय, हैव अ नाइस डे। और हाँ फ्रेंड्स, ड्राइव सेफ। Thank you.